उत्तरांचल में यह आपदा 16 और 17 जून के बीच की रात को आई। हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों का नदी में बह जाना और अन्य नुकसान की जानकारी मिली। तुरंत अपने संसदों के एक बैठक हमारे प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश जी ने आमंत्रित की। उस बैठक में 3 फेज के निर्णय लिए गए। सबसे पहले एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई। 15 मिनट के अंदर अपने प्रांत में जहाँ जहाँ पर भी अपने स्वयंसेवक हैं उनको ये सूचना दी गई कि वो तुरंत इस कार्य में लगें। मालूम हुआ कि वो पहले से ही लग गए थे और पूरे देश में एक समाचार ये दिया गया ये कि हेल्पलाइन की जहाँ जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपने सेंटर्स के नंबर हमने 1 घंटे की बैठक के अंदर इस्टेब्लिश करके पूरे देश में वितरित किए कि जहाँ जहाँ भी किसी को कोई परेशानी है वो हमको इन्फॉर्म करें। और हमने 11 केंद्रों के नंबर पूरे देश में प्रसारित 1-2 घंटे के अंदर अंदर कर दिए। इसके बाद 3 चरणों का ये तय किया गया कि सबसे पहले जितने तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं उनको कोई भी ऐसी सुविधा हो जो भी हम सहायता कर सकें, यानी उन जो निकल रहे थे यात्री उनको भोजन कराना, दवाई देना, रेस्ट कराना, जो भी हो सकता था तीर्थ यात्रियों को वहाँ से सकुशल निकाल कर उनके घर तक पहुँचाने का काम प्रायोरिटी पर हुआ। उसमें हमारे चाहे हेलीपैड पर स्वयंसेवकों ने जो बीमार महिलाएं, बच्चे, चूँकि 200 मीटर हेलीपैड से जो यात्री थे वो दूर थे, वहाँ वहाँ पहुँच कर अपनी पीठ पर ढोया। यहाँ तक कि सेना के लोगों को भी हमारे कैंपों में भोजन कराया गया और हजारों हजारों यात्री हमारे कैंपों में रोजाना भोजन करते थे निःशुल्क। किसी भी प्रकार की धर्मशाला में कोई यात्री ठहरा, कोई अस्पताल में यात्री ठहरा, हम खोजते थे और वहीं जाकर उनको चाहे टिकट बनवाना हो, चाहे नकद देना हो, चाहे उनको खाद्य सामग्री देना हो, प्रत्येक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। उसके पश्चात ये किया गया कि भाई ये तय किया गया कि यात्रियों को निकालने के पश्चात हम जो स्थानीय आपदाग्रस्त लोग होंगे उनको सामग्री वितरण या सहायता वितरण जिस तरह की वो उपलब्ध कराएंगे। और तीसरे चरण में ये तय किया गया कि बाद में उनको रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, पुनर्वास कार्यक्रम गाँव का। तो पहला तो हमारा चरण पूरा हो गया, यात्री लगभग उत्तरांचल से सभी निकल गए हैं। दूसरा चरण चल रहा है, हमारे प्रांत से सर्वे टीम पूरे प्रांत में गई हुई है। 3 जुलाई को बैठकर उसमें सब रिपोर्ट आएगी कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ, कितने यात्री, क्या क्या स्थिति है, वो पूरी रिपोर्ट आएगी। और इस बीच में हमारा राहत कार्य स्थानीय कार्य लोगों के लिए लगातार चल रहा है। नीचे पहाड़ी पर 10-10 किलोमीटर नीचे उतर कर हमारे स्वयंसेवक जो हैं राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। अन्य प्रकार के जो भी सुविधा साधन हो सकते हैं, क्योंकि एक सीमा होती है वो भी अप्लाई कर सब गांव तक हम चाहते हैं पहुंचना, वहां तक सामग्री पहुंचा रहे हैं। दूसरा चरण चल रहा है और ये चरण अभी चलता रहेगा। 3 तारीख की बैठक में पूरे प्रांत से हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद इस कार्य को और गति दी जाएगी। पुनर्वास का जहाँ तक प्रश्न है उसमें समय लगेगा, उसमें और दोबारा से सर्वे पूरे प्रांत का कराया जाएगा, कहाँ कितने हमारे 100 के करीब लगभग शिशु मंदिर अफेक्टेड हुए हैं, 20 शिशु मंदिर तो बिल्कुल बह गए हैं। कितने ही गांव की ये समाचार है कि पुरुष लोग इसमें त्रासदी का शिकार हो गए हैं, महिलाएं बची हैं, बच्चे, उन सब का केंद्रीय मार्गदर्शन भी है कि वो जो बच्चे बचे हैं उनका भी और महिलाओं का भी सबका जीवन यापन का कुछ ना कुछ जो है उनका साधन योजना पूर्वक बनाया जाएगा। RSS तो लगातार आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था में सामग्री इत्यादि बांट रहे हैं। फिर हमारे गांव से 6 कैजुअल्टी हुई है केदारनाथ में। एक हमारे गांव की प्रधान थी, उसका एक बच्चा था वो गया, और उसके बाद 4 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक जो माने अपनी जान माने अपने व्यवसाय घोड़े खच्चर चलाते थे तो वो भी इस आपदा में मर चुके। 2-3 की लाश तो मिल चुकी, 2-3 लाश हैं अभी तक नहीं मिली। केंद्र देहरादून है और यहाँ पे उत्तराखंड एपी से 20 लोग, ये जो दल है ये अभी गया और हमारा जो सोन प्रयाग में कैंप लगाने का और जो लोग आपदा से प्रभावित है ग्रामीण उनके गांव-गांव में, ताकि जो लोग इससे असलियत में प्रभावित है उन लोगों तक पहुंचना और गांव-गांव में इसका वितरण करना है। हम उनके लिए भोजन सामग्री लाए हैं
आटा, चावल, चीनी आदि, जो ग्रामीण असल में आपदा से प्रभावित है उनके घरों में, प्रत्येक घर में ये अनाज पहुंचाया जाएगा और उनकी सेवा के लिए हम 20 लोग अभी इस दल के साथ आए। हमारे साथ की दो गाड़ी आगे निकल गई, एक गाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद आरएसएस वाले राहत सामग्री प्रत्येक जहाँ मृतक हो रहे हैं उनके घर में, खुद पीठ में, कंधे में ढो के उनके घर में दे रहे हैं। जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे एक तो संघ परिवार द्वारा छोटे छोटे जो पुल रहते हैं वो बनाए जा रहे हैं, पगडंडियाँ बनाई जा रही हैं और वहाँ पे स्थानीय लोगों से संपर्क कर करके उनसे बात की जा रही है कि राहत सामग्री यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे हम नारायणगिरी में गरी में है अभी, और माधव सेवा केंद्र यहाँ पे जहाँ से मैं बाइक दे रहा हूँ वहाँ स्थापित किया गया, तो लोगों को पता चलता जा रहा है कि राहत सामग्री वहाँ पे मिल रही है, लोग आते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। और जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं हम लोग स्वयं वहां तक जा रहे हैं, अगर बीच में नदियां पड़ रही हैं, सड़क पड़ रही है तो हम लोगों को दुर्गम स्थानों से बुलवा के वहां से राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हमारे दो स्वयंसेवक थे बृजमोहन बिस्त और अपने योगेंद्र राणा जी, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए रामबाड़ा, केदारनाथ और जंगल चट्टी में हेलीपैड बनाए। इनकी उत्कृष्ट भूमिका के द्वारा ही जो है कम से कम 10,000 लोगों की जानें बची। इसके ऑपरेशन में सबसे पहले हमको दिक्कत आई कि हम हेलीपैड कैसे बनाएं, कहां बनाएं। उन लोगों ने वहां पे नहीं, हमारे पास हथियार थे लेकिन हाथ और हाथों के द्वारा अन्य सहयोगी जो स्थानीय लोग वहां पे उनके सहयोग के द्वारा वहां पे कुछ हथियार एकत्रित कर दिए गए और हथियारों के द्वारा जो हमने हेलीपैड बनाया। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आर्मी ने अपना पूरा कर्तव्य निष्ठावान होकर के और कर्तव्य को निभाते हुए बहुत सारे लोगों की जानें बचाई।